सर्वथा मिडिल स्कूल दासर में है, यहाँ से एक टीचर के पास। चलिए आज मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो बड़ा दिलचस्प है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा, खासकर जो सातिजा हैं, वालिदैन हैं, तलबा हैं, कोशिश करें सारे। लेकिन ये मैं मखसूस नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस वीडियो ने बहुत सारे लोगों को जज्बाती कर दिया है। ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये कि सिर्फ एक मिनट में वीडियो छोटा है, जवाब बड़ा है, मिसाल बड़ी है। यूं समझ लीजिए कि एक मिनट के अंदर बहुत सारे मुश्किल सवाल के जवाब इस वीडियो ने दे दिए हैं। वीडियो ये बताता है कि या उन लोगों के मुंह पे तमाचा है, बहुत बड़ा थप्पड़ है उन सभी लोगों के लिए जो आज के वक्त में मनफी प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर को लेकर फैलाते हैं, बदमनी फैलाने के हक में रहते हैं या कोशिश करते हैं, सरहद के इस पार हो या उस पार, सालमियत के लिए खतरा होते हैं, सलामती के लिए खतरा होते हैं और सलामती के नाम पर न जाने क्या क्या करते हैं। ये मैं वीडियो सिर्फ आपको दिखाऊंगा, जो आप देखने के बाद अंदाजा लगाइएगा कि किस तरीके से उस्ताद और बच्चों के दरमियान। तो उन लोगों के लिए सवाल भी कि जो उस्ताद और बच्चों के बीच कदरों कीमत नहीं जानते। दरअसल वीडियो दासन गांव का है, सेंट्रल कश्मीर के बडगाम का, जहां एक उस्ताद रिटायरमेंट तो नहीं हुई लेकिन ट्रांसफर हुआ, मिडिल स्कूल दासन है। तस्वीर में इसके बाद बताऊंगा, मैं सिर्फ डिटेल्स बता रहा हूं, आगे खुद आप देखिएगा और डिसाइड कीजिएगा कि जो कुछ कहा जाता है और जो जमीनी हकायक है उसमें कितना फर्क महसूस होता है। सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स, यानी सिख टीचर है, और बिना किसी मजहब, बिना किसी जात पात, बिना किसी धर्म, बिना किसी भेदभाव या बिना किसी नस्ल और रंग रूप के, कैसे ये बच्चे रोते भी लगते नजर आ रहे हैं। रो किस ले रहे हैं, सिसकियां किस लिए आ रही हैं, परेशान क्यों हैं, मातम का माहौल स्कूल में है, शोर शराबा है, इसलिए क्योंकि सिख उस्ताद उन्हें पढ़ाता था और मोहब्बत ऐसी थी कि जब वो स्कूल से निकला तो उसके बाद क्या हुआ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि उस्ताद के जाने तक जो शोर शराबा और उसके बाद बाकी टीचर्स आए, बच्चों को चुप कराना पड़ा, ऐसी सूरत हाल बनी यहां पर। यानी वो तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के कुल मिलाकर आप देखेंगे कि हालात को खराब करने की कोशिश के बीच ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग भी हैं जो दहशतगर्दी को या नॉन मुस्लिम्स को या सारी चीजों को अलग अलग चीजें करके देखते हैं, उन सब भी लोगों के लिए जवाब है। एक तो वो कि जो दहशतगर्दी के हक में है, दूसरा जो ये कहते हैं कि सिर्फ माइनॉरिटीज को तकसीम किया जाता, माइनॉरिटीज की जो मोहब्बत मेजॉरिटी में है शायद वो इस वीडियो से कहीं ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगी। डाटसन सेंट्रल कश्मीर का बडगाम विलेज है, वो गांव है जहां पर सिख टीचर पढ़ाता था मिडिल स्कूल में, लेकिन सरकार का हुक्मनामा आया और इस हुक्मनामे के बाद बच्चे रोएंगे, इस तरह बिलखते नजर आएंगे, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन बच्चियां खासकर जैसे रोती हुई यहां पाई गई और जो तस्वीरों में है वो बहुत तकलीफ देह है, और उस्ताद भी चुप कराने की कोशिश और निकलते हुए हाथ हिलाकर किसी तरीके से यहां बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपके लिए हूं, कोशिश करूंगा दोबारा आने की। लेकिन जो कीमती आंसू थे वो कैसे बच्चों ने इस उस्ताद की मोहब्बत में यहां पर गिराए। दो तरह के सबूत, मनफी प्रोपेगेंडा वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा, और उस्ताद और बच्चे का जो रिश्ता होता है, मां बाप के साथ जो रिश्ता होता है, उसी तरीके से मुकद्दस पाक पवित्र रिश्ता ये होता है, वो इस तस्वीर में देखिएगा। इस वीडियो के साथ मैं छोड़ रहा हूं मगर पूरा देखिएगा, अगर ये वीडियो नहीं देखी तो मैं ये समझूंगा कि बहुत कुछ चीजें आपने मिस कर दी हैं। होप सो आप एंड तक देखेंगे। और ये डाटसन विलेज है, गांव है, मिडिल स्कूल है सेंट्रल कश्मीर का बडगाम, सिख टीचर ट्रांसफर हुआ, बच्चे कैसे रोने लगे बिना किसी मजहब जात पात, उस्ताद उस्ताद होता है और वो माँ बाप की तरह है, जो उसका दर्जा है उसका कायम रहना चाहिए। इन बच्चों ने वो दिखा दिया इस वीडियो में, वीडियो के साथ आपको मैं छोड़ रहा हूँ। सर्वथा मिडिल स्कूल दासर में है, यहाँ से एक टीचर की ट्रांसफर हो चुकी है जिसका नाम है एस अमृत सिंह। तो आप दूसरे के बच्चे कितने शोर बचा बच्चों ने, गवर्नमेंट
सर जी उसकी ट्रांसफर तमें मूजूब मेरे स्कूल दासन जून हरदा पंजो बड़गाम।